लखनऊ के खुबैरा ग्राम प्रधान के घर वालों की दबंगई सामने आई है, जहां जमीन विवाद को लेकर ग्राम प्रधान के पक्ष की महिलाओं ने दूसरे पक्ष की महिलाओं की लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने इस संबंध में एक FIR दर्ज कर ली है। जमीन पर गिरी रोती चीखती महिला और उस पर दे दनादन बरसते डंडे। एक महिला जमीन पर गिरी, दूसरी महिला ने उसके सिर के बाल दबोच रखे। वहीं तीसरी महिला पहली महिला पर दनादन डंडे बरसाए जा रही। पिट रही महिला लगातार चीख रही, खुद को छोड़ने की गुहार लगा रही। हाथ पैर छटक कर खुद को डंडे की चोट से बचाने की कोशिश कर रही, लेकिन बचने की उसकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो रही। एक महिला पीड़ित के सिर के बाल पकड़कर उसके साथ गुत्थम गुत्था हुई, उसके साथ ही जमीन पर लौट रही है। इसलिए पीड़ित महिला ना तो जमीन से उठ पा रही है और ना ही खुद को बचाने में सफल हो रही है, बस रोती चीखती खुद को बचाने की कोशिश में लगी। कुछ लोग पीड़ित महिला और उसके साथ गुत्थम गुत्था हुई महिला को अलग करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश भी कामयाब नहीं हो रही। वहीं पिटाई करने वाली महिला घूम घूम कर पीड़ित महिला पर डंडे बरसाए जा रही। डंडा चला रही महिला के साथ उसकी मदद करने के लिए उसके दो और सहयोगी हाथ में डंडा लेकर वहां मौजूद थे और पीड़ित पक्ष को लगातार धमका भी रहे थे। ये तस्वीरें नगराम थाना क्षेत्र के कुभरा गांव की हैं। बताया जा रहा है कि कुभरा गांव के ग्राम प्रधान का गांव के एक अन्य व्यक्ति के साथ जमीन का विवाद चल रहा था। इसी विवाद की वजह से ग्राम प्रधान के घर की महिलाओं ने शुक्रवार को दूसरे पक्ष की महिलाओं की जमकर पिटाई कर दी। प्रत्यक्ष दर्शियों के मुताबिक मामूली कहा सुनी के बाद अचानक ग्राम प्रधान के घर की महिलाओं ने दूसरे पक्ष की महिलाओं को लाठी डंडों से बेरहमी से पीट दिया। फिलहाल पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। टीम न्यूज़ नेशन।